बाग कहते हैं कि वातनाशक, पित्तनाशक और कफनाशक ऐसी चीजें दुनिया में एक साथ मिले हैं, बहुत रेयर। वो कहते हैं कि बहुत चीजें दुनिया में हैं, कोई वात का नाश करेगा, कोई पित्त का, कोई कफ का, लेकिन कोई ऐसी चीजें भी अपने रसोई में है जो तीनों को नाश कर सकते हैं। उनमें से नंबर एक है आंवला, फिर दूसरा है हरडे और तीसरा है बहेड़ा, और तीनों मिला के बनता है त्रिफला। ये जो त्रिफला है ना, भागवत जी इसकी इतनी बढ़ाई करते हैं, इतनी प्रशंसा उन्होंने लिखी है कि खाली त्रिफला पर ही उनके 120 से ज्यादा सूत्र है, अकेले त्रिफला पर। त्रिफला को इसके साथ खाओ, त्रिफला को उसके साथ खाओ, त्रिफला को ऐसे खाओ। और वो ये कहते हैं कि ये जो त्रिफला है इसमें सबसे अच्छा फल आंवला, फिर बहेड़ा, फिर हरडे, ये सबसे दुनिया में अद्भुत चीज है। लेकिन इसकी मात्रा के बारे में उन्होंने जो कहा है वो ध्यान रखिए। ज्यादा लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं, करिए, बहुत अच्छा है, लेकिन मात्रा ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं कि हर बहेड़ा आंवला तीनों में कहूं, तीनों बराबर मात्रा में मिला के त्रिफला बनाते हैं। वो कहते हैं कि ये उतना उपयोगी नहीं है, और हमने करके भी देखा। वो कहते हैं कि त्रिफला सबसे अच्छा होता है 1-2-3 के अनुपात में। पहला है हरडे 1:1, दूसरा है बहेड़ा 2:2, और तीसरा है आंवला 3:3। अब इसको मात्रा में कहूं, अगर त्रिफला बनाना है तो हरडे लेना 100 ग्राम, बहेड़ा लेना 200 ग्राम और आंवला लेना 300 ग्राम। तो ये 100, 200, 300 ग्राम की मात्रा में आप जो त्रिफला चूर्ण तैयार करेंगे, वो कहते हैं ये अद्भुत है, वात पित्त कफ तीनों का नाश कर। अब वात पित्त कफ तीनों से आप अगर ग्रसित हैं तो आप त्रिफला जरूर लीजिए। कैसे लाएं? त्रिफला लेने के 2 नियम बताए उन्होंने, एक रात को और एक सवेरे। सवेरे का नियम उनका यह है कि सवेरे सवेरे अगर त्रिफला खाएं तो गुड़ के साथ, नहीं तो शहद के साथ। तो सवेरे का त्रिफला खाएं तो गुड़ या शहद के साथ, रात का त्रिफला खाएं तो दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। त्रिफला तो एक ही है ना, सवेरे भी त्रिफला ही खा रहे हैं, रात को भी। लेकिन बागवती जी कहते हैं असर अलग अलग है दोनों के। रात को जो आप त्रिफला खाएंगे दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, तो ये त्रिफला रेचक है। रेचक शब्द उन्होंने इस्तेमाल, रेचक माने पेट को साफ करने वाला, बड़ी आंत की सफाई करने वाला, शरीर के सब अंगों की सफाई करने वाला। तो कहते हैं रात को अगर त्रिफला आप ले रहे हैं दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, तो ये रेचक है, माने ये एक ही काम सबसे ज्यादा करेगा कि आपकी कब्जियत मिटा देगा। कितनी भी पुरानी कब्जियत है मिटा देगा, 40 साल पुरानी भी मिटा देगा। और जो दिन को त्रिफला खाया सवेरे गुड़ के साथ, तो वो कहते हैं ये पोषक है। एक शब्द है रेचक और एक है पोषक। पोषक माने शरीर को जो कुछ चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन डी चाहिए, या विटामिन के चाहिए, विटामिन चाहिए, या हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए शरीर को, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, वगैरह वगैरह। तो शरीर को अगर पोषकता चाहिए तो त्रिफला सवेरे खाना, और शरीर में आप मानते हैं कि हमारी कब्जियत ठीक करने के लिए तो त्रिफला रात को खाना। दोनों समय के त्रिफले में बिल्कुल अलग तरह के परिणाम आते हैं। तो जो कहें हम तो स्वस्थ हैं जी, तो सवेरे ही त्रिफला खाओ स्वस्थ हैं तो, और जो कुछ बीमारियां हैं आपको तो रात को खाओ, ठीक है। मात्रा ध्यान रखना 1-2-3। सम मात्रा का त्रिफला बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होता है, एक या दो ही बीमारी है। अभी मैंने एक जगह इस्तेमाल किया था, एक वैज्ञानिक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, उनको एक बीमारी हुई रेडिएशन से। रेडिएशन आप जानते हैं सभी एटॉमिक सेंटर में, तो उनका पूरा शरीर सड़ गया, एकदम सड़ गया, जगह जगह घाव, जगह जगह, और उसमें से खून निकलता, मवाद निकलता। वो बेचारे इतने परेशान, इतने हैरान, कहां कहां जा जाके, अमेरिका, कनाडा, सब जगह, कुछ इलाज हुआ नहीं, कोई रिलीफ मिला नहीं, कपड़ा भी नहीं पहन सकते, ऐसी स्थिति थी, हमेशा नंगे बदन रहते थे। तो ऐसे ही किसी ने मुझे उनके बारे में बताया, बंबई तो मैं अक्सर जाता रहता हूं, राजीव भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं। तो मैं उनको गया था मिलने और देखने, तो मैंने देखा सच में हालत बहुत खराब थी। तब मैंने उनसे कहा कि आप बहुत परेशान हैं। हाँ बहुत परेशान हूं, दवा सब काम लेके देख ली, कुछ उपयोग होता नहीं। मैंने कहा मैं होम्योपैथी दूं, उन्होंने कहा होम्योपैथी मैं नहीं लेना चाहता। तो मैं पूछा चलो आप फिर एक काम करो, त्रिफला चूर्ण खाओ बस, और कुछ मत करो। तो उन्होंने त्रिफला चूर्ण शुरू किया, ये मैंने बताया 1-2-3 शुरू किया। 3-4 महीने में रिजल्ट बहुत थोड़ा आया, थोड़ा आया। फिर मैंने कहा मात्रा बदल के देखते हैं। फिर उनकी सब मात्रा की मैंने, बराबर जितनी मात्रा आंवला, बराबर उतनी मात्रा बहेड़ा, बराबर उतनी हरडे। अभी स्थिति यह है कि वो बिल्कुल ठीक है, 1.25 साल उनको हुआ त्रिफला खाते खाते, बिल्कुल ठीक है, और पहले से ज्यादा प्रफुल्लित है, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक है। आप जानते हैं रेडिएशन का दुनिया में इलाज नहीं है,
ये उदाहरण मैंने जानबूझ के दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास। रेडिएशन का दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन त्रिफला चूर्ण के पास उसका इलाज है। अगर यही त्रिफला चूर्ण अमेरिका में हुआ होता ना, यूरोप में हुआ होता, तो अब तक इस पर पेटेंट लेकर करोड़ों डॉलर कमाए होते उन्होंने। ये हमारे यहां प्रचंड मात्रा में है, हर घर में है, हर गांव में है, इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं मालूम। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके सोचने का नजरिया बदल दीजिए। प्रकृति ने जो चीजें प्रचंड मात्रा में हमको दी हैं वो उतनी ही कीमती हैं। वो प्रकृति की हमारे ऊपर कृपा है जो हमारी जरूरत के हिसाब से दी है। आंवले का इतना उत्पादन इस देश में होता है आप जानते, बहेड़ा इतना मिलता है, हरडे इतना मिलता है, और लगभग फोकट की स्थिति में मिलता है। अब पता नहीं कौन कौन लोग उसी आंवले को 200-250 रुपए किलो च्यवनप्राश बना के बेच लेते हैं। ये जो च्यवनप्राश है ना, ये त्रिफला चूर्ण से कई कई गुना नीचा है। च्यवनप्राश पे जितना खर्चा कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्चे में आप त्रिफला खाइए, च्यवनप्राश से भी ज्यादा असर है। तो मेरी आपको आज के लिए ये आखिरी सूत्र थी कि आप अपने जीवन में वात पित्त कफ तीनों को सम रखना चाहते हैं तो आंवला हरडे बहेड़ा, हरडे बहेड़ा आंवला, इन तीनों का उपयोग करना सीख लीजिए। घर में हमेशा इसको डब्बे में बना के पाउडर के रूप में रख लीजिए। अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं, आप अकेला आंवला भी खा सकते हैं। आंवला तीनों दोष दूर करता है, वात पित्त कफ। हरडे तीनों दोष दूर करता है, वात पित्त कफ। और बहेड़ा तीनों दोष दूर करता है, वात पित्त कफ। इसलिए भागवत जी कहते हैं सर्वोत्तम फल यही है, आंवला हरडे बहेड़ा। दूसरे फलों से कई गुने ज्यादा ताकतवर यही फल है, आंवला हरडे बहेड़ा। अब आपको आखिरी एक छोटी सी बात कह दूं कि आप में से किसी को भी यह तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है, मेद माने मांस बढ़ा हुआ है, बहुत लोग परेशान है मोटापा, मेद माने कफ बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात, तो आप त्रिफला खाइए। कब खाना है आपको? रात को नहीं खाना है, सवेरे खाना है। जिनको भी मांस बढ़ा है शरीर पर, मेद बढ़ा है, उनको अगर छाटना है, इसको कम करना है, तो त्रिफला सवेरे खाना, आंवला सवेरे खाना। आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आंवले ही खा लीजिए, चार आंवले तीन आंवले रोज खा लीजिए। आंवले को मुरब्बा बना के खा लीजिए, मुरब्बा को और आंवले का अचार बना के खा लीजिए, आंवले की चटनी बना के खा लीजिए, जैसे भी है आंवला खा लीजिए। तीन से चार आंवला जितना होता है ये पेट में जाते रहे तो साल भर में आप देखोगे आप पहले से ज्यादा स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। और आंवले के बारे में आज के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, आज के वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंटल फल कोई है तो वो यही है। एंटीऑक्सीडेंट माने जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करे, और शरीर में हमेशा ऑक्सीडेशन चलता है, ऑक्सीडेशन में उम्र कम होती है, शरीर के हर अंग का क्षय होता है। तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का क्षय बचाना है तो आंवले से अच्छी कोई चीज नहीं। दैनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिए। भागवत जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं, आंवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं साल भर खाओ, दो साल खाओ, रोज खाओ, कोई दिक्कत। त्रिफला खाएं तो तीन महीने लगातार खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना, तीन महीने 90 दिन खा के थोड़े दिन छोड़ देना, माने 15-20 दिन छोड़ देना, फिर अगले 3 महीने खा लेना, फिर 15-20 दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने खा लेना। क्यों कर लेना ऐसा? वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में, नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है, और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुष्परिणाम भी दे सकता है। लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई, अगर बीच में छोड़ा नहीं तो। छोड़ के खाना, अब किसी व्यक्ति के लिए ये छोड़ने का समय है वो 3 महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने बीच का बताया, 3-3 महीने करके छोड़ छोड़ के खाना। अब आज के लिए सूत्र इतना ही, आगे प्रश्न जी। मात्रा कितनी? मात्रा मैं बता देता हूं, जिनको वजन कम करना है, वजन कम करने के लिए त्रिफला या आंवले का उपयोग करना है तो आंवला 3 से 4, और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून, एक तो छोटी चम्मच होती है एक थोड़ी बड़ी चम्मच, तो 1 चम्मच, हां गुड़ के साथ सुबह, नहीं तो शहद के साथ। और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना है पेट साफ करने के लिए, आंतों की सफाई करने के लिए, वो रात को खाएं, रात को भी आंवला लगभग 1 चम्मच, लेकिन छोटी चम्मच। कैसे खाना है? गुड़ के साथ कैसे मिलाएं? आंवले का चूर्ण आपके पास है, थोड़ा गुड़ ले लो,
चूर्ण और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो, वो लड्डू जैसा हो जाएगा, गुड़ उसको अपने में समा लेगा। फिर गुड़ खा लो, पीछे से थोड़ा दूध पी लो। मैंने आपको कहा था कि बागवत जी कहते हैं कि दूध एक ही चीज के साथ पिया जा सकता है, वो है आंवला। क्या कहते हैं बहेड़ा को? तानी, तानी।